हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपके साथ एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। तो आज धनतेरस भी है और बाहर से मिठाई क्यों लाए, आज मैं मोतीचूर के लड्डू बनाऊंगी और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले ये दाल है, ये मैंने आधी किलो दाल मंगवाई थी और ये मैंने भिगो दी है, इसको हो गए 4 घंटे और ये अच्छे से टूट रही है। ये देखिए, इस तरीके से टूट रही है अच्छे से। तो ये बन गई है, इसको हम 4-5 पानी में अच्छे से धो लेंगे। तो ये पानी हम गिरा देंगे इस तरीके से। तो ये हमने धो लिया इसको, तो हमने 4-5 पानी में पहले भी धो लिया था, कितना साफ हो गया इसका पानी। तो अब हम इस छलने में डाल देंगे, इस छलने में निकालने के साथ सारा पानी निकल जाएगा। ये पानी इसका सारा निकल जाएगा, इसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे मिक्सर जार में। तो इसको हम इसके ऊपर रख लेंगे, पतीली के ऊपर रख लेंगे। तो ये हमने पतीली के ऊपर रख लिया है, इसके बाद हम इसको ये मिक्सी का जार है इसमें डालेंगे। देखो इसका पानी निकल रहा है, देखो इस तरीके से ये सारा पानी निकल जाना चाहिए इसका, नहीं तो ये गिल्ला गिल्ला बनेगा। और इसको थोड़ा इस तरीके से उछालेंगे तो जो सारा पानी है वो निकल जाएगा। ये देखिए, अब हम इसको डालेंगे इसमें, मिक्सर जार में डालेंगे। तो ये हम हाथ से डालेंगे इसको, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे और थोड़ा 2 बार कर लेंगे हम इसको ग्राइंड, एक बार में आएगा नहीं। तो गाइस इसको हम ग्राइंड करके आपको बताते हैं, दिखाएंगे आपको। इसमें हमने अभी कुछ नहीं डालना है, तो हमने ये मिक्सर जार में डाल दिया है। आधी दाल हमने इसमें डाल ली, आधी दाल इसमें है। तो ये एक बार में नहीं होगा, इसको हम 2 बार में ग्राइंड करेंगे। तो इसका हम ढक्कन लगा लेते हैं। तो हमने इसको मिक्सी की जार में पीस लिया है और इसको कर लेंगे हम इसमें, निकाल देंगे। तो एक चम्मच ले लेते हैं, इसको इस तरीके से घुमा देंगे तब भी ये निकल जाएगा। और ये जो नीचे लगा हुआ है तो इसको हम चम्मच से अच्छे से नहीं निकलेगा, इसलिए हम इस तरीके से निकाल देंगे। तो इसको हम साइड में कर लेंगे और ये जो चने की दाल है इसको इसमें डाल देंगे मिक्सी जार में, और इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। तो गाइस आप लोग देखते रहना, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इसको हम इस तरीके से करके फिर इसको भी ग्राइंड कर लेते हैं। तो हमने इसको भी कर लिया है, दूसरी एक बार करके दूसरा बार भी कर लिया हमने इसको, जार से ग्राइंड कर लिया मिक्सी जार में। और गाइस देखिए इस तरीके से होना चाहिए ये, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा दरदरा पतला, तो ये दरदरा सा होना चाहिए। तो गाइस ये हमने सारा निकाल लिया है और इसको रख देंगे हम साइड में। और मैं थोड़ा हाथ धो लेती हूँ। गाइस ये अच्छे से बन गया, हमने कढ़ाई को गैस के ऊपर रख लिया है, इसमें हम ऑयल डाल देंगे। और अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना, हमने इसको फेंटना नहीं है कोई, थोड़ा सा हाथ से घुमा दूंगी जब मैं इसको करूंगी, इसका इस्तेमाल करूंगी। तो मेरे पास ये ऑयल है, ऑयल डाल दूंगी मैं कढ़ाई के अंदर। तो मैंने सारा ऑयल इसके अंदर डाल दिया, साथ साथ जो गंदगी होती है उसको भी साफ करते रहते हम। और अभी इसको तेल को हम जो है इसे ऑयल को गर्म होने देते हैं। जब तक ये गर्म होता है इसको हम हाथ से अच्छी तरह से इस तरीके से मिला लेते हैं। तो इस तरीके से मिलाने का क्या है, कहीं पे ये मोटा भी होगा कहीं पे ये पतला भी होगा, तो सारा मिक्स हो गया, दरदरा हो जाएगा। इसको हमने मिला लिया है, अभी तेल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसके जो है इस तरीके से पकौड़े बनाएंगे। और पकौड़े हम इस तरीके से चौड़े चौड़े बनाएंगे, इनके इस तरीके से दबा के ऐसे दबा लेंगे हम पकौड़ों को, और इसमें डाल देंगे ऑयल के अंदर इस तरीके से दबाना है इनको। और इसको इस तरीके से छोड़ देना है, इसमें ध्यान से करना है काम, हाथ में ना छिटा आए। तो गाइस पहले इसको इस तरीके से गोल कर लो, फिर इसको इस तरीके से दबा दो तो ये साइड से गिरेगा नहीं।
तो ये हमने इसमें डाल दिए हैं। तो इसी तरीके से हम आपको सारे पकौड़े बना के दिखाते हैं। तो इस तरीके से पकौड़े बन जाएंगे और इनको हम निकाल लेंगे, प्लेट में निकाल लेंगे एक थाली में। तो इस तरीके से सारे पकौड़े बन जाएंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं आगे। तो ये हमें पतले में बनाने हैं, ज्यादा मोटे बनाएंगे तो अंदर से कच्चे रहेंगे। जितना पतला आप इसको कर लोगे, देखो इस तरीके से, और इसको छोड़ देंगे इसमें, ऑयल में छोड़ देंगे। गैस पतले बनाओगे तो कच्चे नहीं रहेंगे, और मोटे बनाओगे तो पकाना भी ज्यादा पड़ेगा और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो इसको जितना आप दबा सको हल्के हाथ से इस तरीके से, तो इसको इसमें छोड़ दो इस तरीके से। तो ये हो गया, सारा बैटर खत्म हो गया। और ये आखिरी बचा हुआ था, ये जितना था हमने ले लिया, तो इसको हम चौड़ा कर लेंगे। तो इसको भी डाल देंगे इसके अंदर। तो गैस ये सारा बन जाएगा, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम ये जो पकौड़े, मतलब बड़े पकौड़े जो भी हैं हमने बना लिए, इनको हम इस तरीके से तोड़ेंगे, देखिए कितने सॉफ्ट बने हुए हैं। और इसको हम मिक्सी जार में डाल देंगे इस तरीके से। तो सारे पकौड़ों को हम तोड़ लेते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं मिक्सी जार के अंदर, इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इस मिक्सी जार में इसको ग्राइंड कर लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। ये हम मिक्सी जार में करते हैं इसको ग्राइंड। तो दोस्तों हमने इसको दरदरा कर दिया, ज्यादा बारीक नहीं करा, देखो हमने इसको, तो ना ही ज्यादा मोटा रखा है, इसको हम दरदरा करा जिस तरीके से लड्डू बनते हैं, तो दिखने चाहिए लड्डू, बूंदी वाले लड्डू। तो ये देखिए गाइस इस तरीके से हमने इसको कर लिया ये, और कितना ये देखो महीन, मतलब इतना ना मोटा है ना पतला है, तो ये लड्डू लाइक काफी अच्छे हैं, अच्छे से ग्राइंड हो गया ये देखो, ये देखिए इस तरीके से। गाइस ये जो है ये चूरा बहुत अच्छे से बन गया इसका। तो हम बनाएंगे अब इसके लड्डू, अभी आगे का दिखाते हैं आपको। तो देखो कितने अच्छे से हो गया, बढ़िया बन गए इनके लड्डू, बहुत अच्छे बनेंगे। तो गाइस सारी वीडियो देखना आप, तभी आपको पता चलेगा। तो इसको हमने मिक्सी जार में पहले हमने बड़े बनाए पकौड़े से, और उसके बाद हमने इनको ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लिया था। तो गाइस साथ साथ सफाई भी करते रहेंगे। अब हम करेंगे आगे की तैयारी। तो हमारे पास ये पतीली है, हमने ये पतीली गैस के ऊपर रख लिया है, और इसमें डालेंगे हम चीनी। गाइस अभी दिखाते हैं आपको, चीनी डालते हैं इसमें। तो मैंने जो ये दाल है, आधा किलो दाल थी, तो आधा किलो का मतलब है 3.5 कटोरी दाल की निकली थी, ये मेरे पास कटोरी है, तो ये 3.5 कटोरी निकली थी। तो इसके हिसाब से हम डालेंगे, तो ना ज्यादा मीठा करेंगे ना ज्यादा पतला करेंगे इसको। तो ये डालेंगे हम, इतना ही डालेंगे, ज्यादा मीठा नहीं करेंगे इसको, एक कटोरी और थोड़ा सा डाला हमने। तो गैस को कर देंगे हम ऑन। तो अब हम इसमें पानी डाल लेंगे, चीनी तो हमने डाल दी थी इसमें, इस कप से हमने 1/4 कप चीनी डाली है। 3.5 कप हमारे पास चना दाल थी, तो उसके हिसाब से हमने 1 कटोरी और थोड़ा सा डाला है, 1/4 कटोरी। और इसमें पानी भी हम इसी हिसाब से डालेंगे, ये हमने 1 कटोरी पानी डाल दिया इसमें, और ये थोड़ा सा डालेंगे, जितना हमने चीनी डाला उतना हमने इसमें पानी डाल दिया। तो गैस गैस को ऑन कर लेंगे, हमने गैस को ऑन कर लिया है और इसको अभी चलाएंगे। तो हम इस तरीके से चलाएंगे और ये चीनी अच्छे से हो जाएगी, एक तार की चाशनी बन जाएगी जब तक हम इसे पकने देते हैं। तो ये देखो ये अच्छे से चाशनी बनने लग गई है। अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा कलर डालेंगे, ये मेरे पास ऑरेंज कलर है, तो कलर बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे। देखो ये डाल दिया हमने इसमें कलर, और कलर को हम इस तरीके से मिला देंगे, इसको भी पकने देंगे इसके अंदर कलर को। और इस डिब्बी को बंद करके हम साइड में रख लेते हैं, तो इसके अंदर था उसे भी इसमें डाल देंगे। तो इसको हम चला लेंगे थोड़ा सा, एक तार की चाशनी बनानी है हमने, तो अब हम देख लेते हैं चाशनी को। तो इसमें निकाल के थोड़ा सा इसे ठंडा होने देते हैं, फिर चेक करते हैं।
तो हमने एक तार की चाशनी बनानी है। तो गाइस ये देखो, देखो ये एक तार की चाशनी बन गई है, देखो। तो ये हो गया रेडी। इसको गैस को कर देंगे हम बंद। तो हमने गैस को बंद कर लिया है। अब हमने जो ये पकोड़े जो बनाए थे, ग्राइंड कर लिए थे चने के, तो इसको हम इसमें डालेंगे। तो गैस इस तरीके से डाल दूंगी मैं। और हमने गैस बंद कर दिया, गैस को नहीं चलाना है, गैस को जलाना नहीं है। तो गैस हम इसमें इतना डालेंगे कि जितना ये हो जाए, क्योंकि ये मैंने ज्यादा बना रखा। तो इसको इस तरीके से तो हम चला लेते हैं इसको इस तरीके से। और देखो गैस कितने बढ़िया लड्डू तो बन गई है। हाँ ये देखिए, देखिए थोड़ा गिल्ला गिल्ला लग रहा है, लेकिन अभी ये ड्राई हो जाएगा और जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसके लड्डू बना लेंगे। देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हम इसके दो तरह के लड्डू बनाएंगे, एक हम ऑरेंज बनाएंगे तो एक सिंपल बनाएंगे। तो गाइस इसको रख देते हैं साइड में। तो दोस्तों हमने एक पतीली और गैस के ऊपर रख दी, हम दो प्रकार के लड्डू बना रहे हैं। एक हमने ऑरेंज बना लिया, उसमें कलर डाल दिया, और इसको हम बिना कलर के बनाएंगे। तो हम वही दोहराएंगे जो हमने पहले बनाया। तो इसमें डालेंगे हम चीनी, और इसके अंदाजे से डालना हमें चीनी कि कितना बचा हुआ है। तो गाइस हम सबसे पहले चीनी डाल लेंगे, और चीनी डालूंगी इसमें आधी कटोरी। तो इसमें मेरे पास छोटी छोटी कटोरियां हैं, तो छोटी कटोरी के हिसाब से डालूंगी मैं। ये मेरे पास बहुत छोटी कटोरी है, तो एक, और ये तो ज्यादा मीठा नहीं बनाना मैंने। तो ये जो छोटी कटोरी से मैंने डेढ़ कटोरी, या तो आप एक कटोरी डालना फुल। तो एक हमने ज्यादा मीठा बना दिया, एक को कम मीठा बनाएंगे। तो गैस डालेंगे इसमें, पानी भी हम इसी हिसाब से डालेंगे। तो जो हमारे पास एक कटोरी है, पानी भी इसी हिसाब से डालेंगे हम, एक और ये दो। तो ये पानी डाल दिया हमने, और गैस को कर लेंगे हम ऑन। हमने गैस को ऑन कर लिया है और इसको चलाएंगे। गैस इसको हम इस तरीके से चला लेंगे जैसे हमने पहले बनाया था लड्डू के लिए, उसी तरीके से इसको बनाएंगे। एक तार की चाशनी बनाएंगे इसकी, आगे दिखाते हैं आपको। तो गाइस ये चाशनी भी हो गई है तैयार, ये भी एक तार की चाशनी तैयार हो गई है। इसको थोड़ा ठंडा करते हैं और चेक करते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये एक तार की चाशनी बन गई है। और गैस को कर देंगे हम बंद। गैस को हमने बंद कर दिया, और इसी तरीके से हम ये जो हमने चूरा बना रखा है लड्डू के लिए, इसको हम इसमें डाल देंगे। तो गाइस ये दो तरह के लड्डू बन जाएंगे, और इसको हम इस तरीके से मिला लेंगे। एक में हमने मीठा ठीक डाला हुआ है, एक में हमने मीठा कम डाला हुआ है। तो गाइस इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, और इसको ठंडा होने देंगे। मीठा जो इसमें हमने मीठा करा हुआ है, इसको अच्छे से मिला लिया हमने। तो अब इसको हम नीचे उतार लेंगे, नीचे रख लेंगे। ये ठंडा हो गया, इसके हम लड्डू बना लेते इतनी देर। तो हम बना लेते हैं इसके लड्डू। ये हो गया ठंडा। तो देखिए इसको हम इस तरीके से, अब छोटे बनाने बड़े बनाने हो आप पे डिपेंड करता है, इस तरीके से हमने इसको करना। कलर हमने इसमें ज्यादा नहीं डाला, बिल्कुल हल्का सा डाला है कलर। तो इस तरीके से दबाएंगे हम इसको, और टाइट कर लेंगे जिस तरीके से अच्छे से दब जाए। और इसके ऊपर जो है हम ये काजू लगा देंगे। इस काजू को हम दबा लेंगे इसके अंदर इस तरीके से, और फिर इसको ऐसे और कर लेंगे, इसको दबा लेंगे जो कि काजू जो है इसके अंदर दब जाए। ये देखिएगा इसे, तो ये बन गया हमारा लड्डू। इसी तरीके से हम दूसरे लड्डू को भी तैयार कर लेते हैं। तो गाइस त्योहारों में अच्छी चीज है घर में बनाना, तो साफ सुथरा होता है अपने घर में। तो गाइस ये देखिए इस तरीके से, फिर इसके अंदर हम इसी तरीके से इसको डाल लेंगे, थोड़ा सा ज्यादा अंदर नहीं डालेंगे। और इसको इस तरीके से दबा के थोड़ा हम इस तरीके से कर लेंगे। इस तरीके से सारे लड्डू बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।
दोस्तों अब मैंने एक प्लेट में रख लिए हैं सारे लड्डू। ये कम मीठे के हैं, ये पीले वाले, और ये ज़्यादा मीठे के हैं, तो जिसने जो खाना होगा वो खा लेगा। तो गाइस इसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये देखो ये मैंने कटोरी रखी है, तो इसमें रखूँगी मैं गणेश जी के लिए, तो गणेश जी के लिए मीठा लड्डू रखेंगे। और ये रखूँगी देखो मैं कान्हा जी के लिए, तो कान्हा जी के लिए भी मैं मीठा लड्डू रखूँगी। तो गाइस ये रख लिया हमने कान्हा जी के लिए भी, तो ये पहले हम भोग लगाएंगे एक एक लड्डू का, उसके बाद इसको खाएंगे। दोस्तों हमने लड्डू बना लिए हैं, और ये आप लोगों को कैसे लगे लड्डू, ये मैंने कम मीठे के बनाए हुए हैं और ये थोड़ा मीठा तेज है इसमें, तो अपनी पसंद है, जो कम मीठा खाएगा कम मीठा खा लेगा, जो तेज खाएगा तेज खा लेगा। तो गाइस इसको हमने काजू के साथ सजाया, तो ये आज हमने धनतेरस के दिन लड्डू बनाए हैं। तो गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आएगी तो शेयर जरूर करना। थैंक यू।